उसका जीवन काल से ही भक्ति का आचरण प्रारंभ हुआ। पूरी जिंदगी के बचपनी भगवत सेवा से शुरू किया और निष्ठा के साथ भगवान की गुरु वैष्णव की सेवा की। आज के दिन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके पास मोबाइल नहीं है? सोचो, ना कभी बैंक में गए, बैंक अकाउंट में उनका कुछ है ना, कोई पैसा उनके पास है, 10 नया भी पैसा जो सर्वस्व तुम्हार चरणे सपिया पड़ेछी तुम्हारो दारे, तुमी तो ठाकुर तुम्हारो कुकुर बोलिया जानो हो मोरे। ये जो पद का अर्थ है, ऐसे वैष्णवों के जीवन में आचरण के साथ वो पद गाया, पद किया। अमार बोलिते प्रभु आर किछु नाई, तुमी अमार माता पिता बंधु भाई। कैसे? केवल बोलने का है? केवल बोलने का है? ये भजन कुछ होता है गृहस्थ का नहीं होता, सन्यासी का भजन अलग होता है, त्यागी का भजन अलग होता है, गृहस्थ का भजन अलग होता है। एक भजन भक्ति विनोद ठाकुर जी का है, जो बने जखन माया रूप ताड़ने धरिनु गृहिणीर कर, एक सन्यासी ये भजन गाएगा? एक सन्यासी बोलेगा ये भजन? तो ये कोई गृहस्थ का भजन है। तो भजन के भीतर भी भाग होता है, भजन में भी भाव होता है। तो ये जो प्रभु जी का जीवन है, ऐसे जो वैष्णव का जीवन होता है उसका आदर्श है। हाँ, वो भिक्षा करते थे 50 वर्ष इस मंदिर में उन्होंने सेवा की, 50 वर्ष। तो 50 वर्ष में हमने देखा कि प्रभु सुबह भिक्षा में जाते थे, भिक्षा करके आते, उसके बाद वो डिस्पेंसरी में बैठते थे, दवाई देते थे। फिर बृहस्पतिवार ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे, हफ्ता में एक दिन उनका श्रृंगार। और बुधवार को छुट्टी होती थी डिस्पेंसरी, तो बुधवार के दिन वो ठाकुर जी का अर्चना करते थे। जो पूजा है वो पूजा जगपति प्रभु जी करते थे। और रोज मंगला, जो मंगला ठाकुर जी की, वो मंगला जगपति प्रभु जी करते थे। कितनी सेवा देखो, भिक्षा करना, डिस्पेंसरी संभालना, रोज मंगला करना, उसके बाद हफ्ता में एक दिन श्रृंगार और एक दिन ठाकुर जी की पूजा। जो साधु सन्यासी हैं वो भगवान की पूजा उनका प्रथम सेवा का अधिकार है। हमें दीक्षा क्यों दिया जाता, हमें ये जनेऊ क्यों मिलता है? ये केवल भगवान की अर्चना के लिए मिलता है, इसके बिना तो आप हरिनाम कर सकते हैं, इसका जरूरत नहीं होता। ये ब्राह्मण दीक्षा कहा जाता है।
ये ब्राह्मण का काम होता है भगवान की पूजा करना, नारायण की सेवा करना, गायत्री मंत्र का जाप करना। जिसका जनु संस्कार नहीं हुआ वो गायत्री उच्चारण नहीं कर सकते, उनका अधिकार नहीं होता। तो जो गायत्री मंत्र प्राप्त किया है उनके द्वारा वो शालग्राम भगवान श्री हरि की या विष्णु की वो अर्चना करे। मतलब ये शुरू है, हाँ? श्रद्धाय श्रीमूर्तिर सेवन सकल साधन श्रेष्ठ। पांच अंग क्या क्या है? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाय श्रीमूर्तिर सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ। यही पांच अंग कृष्ण भक्ति जन्मे जार पांचेर अल्प संग। इसलिए अर्चना हमने देखा एक दिन करते थे। दूसरी बात, उन्होंने रोज, उनका नियम एक कीर्तन कि कोई बैठे ना बैठे, कोई हो या ना हो, उन्होंने अपना कीर्तन पूरा करेंगे। इसका नाम है निष्ठा। 10 आदमी बैठे हैं तब हम कीर्तन करेंगे ना? तुम्हें सुनाने का लक्ष्य कीर्तन नहीं होता। जिसकी कीर्ति वर्णन करते हैं उसका आनंद पहुंचाने का नाम होता है कीर्तन। यह हमारे गुरुवर्ग बैठे हैं, यह हमारे गौर गोविंद जी बैठे हैं, यहाँ हमारे सब प्रभु विराजमान हैं, उनको खुशी के लिए हम कीर्तन करते ना, तुम्हें खुशी करने के लिए हम कीर्तन करते। तो इसका नाम निष्ठा, और वही निष्ठा पूरी जिंदगी तक। अब काल भी वो दादू किताब पढ़ रहे थे, हाँ, जाने से 2 मिनट पहले हरिनाम कर रहे थे, माला हाथ में थी। तो वही भक्ति विनोद ठाकुर जी का पद याद करो, ये देहेर क्रिया अभ्यास करिबो जीवन जापन लागी, भजनेर जहा अनुकूल तहा ताहे हब अनुरागी। ये देहेर क्रिया, ये अभ्यास के द्वारा ये स्वाभाविक हो जाता। इसलिए उनकी जो कार्यालाप है, कार्यकाल है, वो गुरु वैष्णव के निष्ठा के साथ। और एक बात हमने जो अनुभव किया वही बता रहा हूँ। एक कोई भी काम एक से हफ्ता भर किया तो उसके जीवन में आदत में वो पड़ जाता। 7 दिन कोई काम किया तो उनका जीवन में आदत। अगर ये जिना से उठते समय जो जो जगह में हाथ देते थे वो उसी जगह में हाथ देके उठेंगे, हाँ, जैसे जैसे करते ऐसे ही करेंगे। तो मेरा कहना है कि मठवासी, ब्रह्मचारी, सन्यासी जो भी है, हमें दूसरे को खुशी करने, दूसरे को उद्धार करने के लिए खुद ना डूब जाए ये विचार रखना है, है ना? पहले खुद को तैरना आए, उसके बाद डूबने वालों को उठाने जाए। खुद को तैरना नहीं आता और दूसरे को उठाने के लिए जाओगे तो हाल क्या होगा सोचो। तो जो भी हो पहले आप अपना भजन, चाचा आपन परान बाचा,
एक कहावत होता है ना। इसीलिए कोई भी आश्रमवासी हो, मठवासी हो, त्यागी हो, गृहस्थ हो, हम भजन नहीं करते, दूसरे को उपदेश करते, ये करो शो करो, इससे तुम खतरा में पड़ोगे आगे जाके। इसलिए भजन खुद करने का प्रयास करो, जो भी हो है, भजन बिना गोती नहीं रे, परे अमार मूढ़ मान, भजन बिना गोती नहीं रे, ब्रजे राधा कृष्ण चरणार विंद। इसलिए भजन के बिना दूसरा कोई नहीं, जो जगपति प्रभु जी के जीवन में देखा, और उन्होंने पूरी जिंदगी में एक बार, निष्ठा की बात बता रहा हूं, इसी बात को बताने के लिए महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी क्षेत्र में थे गदाधर पंडित जी, उनके प्राण गोपीनाथ, उन गोपीनाथ की सेवा करते थे, लेकिन वही गोपीनाथ तो गौ सुंदर है, ये हृदय से जानते थे गदाधर जी कि गोपीनाथ कौन है, वही तो चलने वाला गौर है। तो उस गौर जब गौर जब वृंदावन चल पड़े तो गोपीनाथ भी पीछे पीछे चला, गदाधर पंडित भी पीछे पीछे चल पड़े। तब महाप्रभु ने कहा, क्या कर रहे हैं आप पंडित, अब गोपीनाथ की सेवा का संकल्प लिया, अब जल्दी चले जाइए, उनकी सेवा में विघ्न होगा। गदाधर अपने निष्ठा दिखा रहे गौर की प्रति, बोले प्रभु आप जहाँ है वही गदाधर है मेरा, वही वृंदावन है मेरा, वही सब कुछ है, आप ही हमारे सब कुछ है, इसलिए वो सेवा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं, मेरा आपके साथ मैं चलता हूँ। लेकिन महाप्रभु समझाते हैं, नहीं तुम गदाधर गोपीनाथ की सेवा करो, ये निष्ठा है तुम्हारा, उनमें जाओ। अब प्रभु की प्रति ऐसी निष्ठा है, उनकी संग से भी उनकी बातों के ऊपर प्रबल आज्ञा, प्रबल है, प्रबलता मानते हुए गदाधर जी वापस जाते हैं और गोपीनाथ की सेवा करते हैं। तो ऐसे जगपति प्रभु जी पूरी जिंदगी में एक बार गोवर्धन जी का परिक्रमा किया, एक बार उन्होंने जगन्नाथ पुरी गए, एक बार बस, हमारा मन करता चलो मठ है अपना चलो, लेकिन निष्ठा की बात बता रहा हूं, इच्छा क्या है, सकल कामना कृष्ण पद दिए, विचरीब सदा कृष्ण गुण गे, केवल कृष्ण नाम संगे साथ लोये, ब्रजेर पथ चले जाओ। इसलिए भगवान की सेवा निष्ठा के साथ, रोज मंगल आरती में उठना, प्रभात कीर्तन करना, अपना हरिनाम शंखा पूर्वक करना, संध्या आरती मध्यान्ह आरती जहाँ जा, मतलब सेवा में अपने को लगा के रखना, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे मठवासी हो। गृहस्थ और मठवासी में इतना अंतर होगा कि गृहस्थ थोड़ा समय भगवान के लिए देंगे, दे रहे हैं, दे पाते हैं, बाकी समय और भी, लेकिन 24 घंटा में 24 घंटा ये त्यागियों का भगवत सेवा का अधिकार है। परंतु ये हम जगपति प्रभु जी के जीवन में देखा, जिन्होंने प्रतिदिन यदि आदर करिया, सेनाम कीर्तन करी, शीतोपल जैन नाशी रोग मूल क्रमे साधु हाय हो। ये जो हमने उनका कष्ट देखा, उनका जो ये सब देखा,
ये भगवत इच्छा है। उन्होंने गिरा, कोई कारण नहीं था, चलते चलते गिरा, दोबारा गिरा, कोई कारण नहीं था, हा? तो हर चीज के पीछे ये भगवत इच्छा कार्य करता है। जाने का कोई बहाना चाहिए, किसी भी बहाना चाहिए तब जा सकते हैं। भाई हम जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाते कोई। कुछ भी वहां क्या हुआ था, बोले अचानक उनका खांसी होना शुरू हुआ और खांसते खांसते उनका क्या हो गया, चले गए, ये बहाना है। अचानक उनका बुखार आया, दो दिन से बुखार है, अगला दिन चला गया। तो ये सब कुछ नहीं, ये कुछ ना कुछ एक बहाना आता है, उसी को लेके इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। लेकिन एक माया के द्वारा बाधा हुआ जीव का शरीर छोड़ना और एक भगवान के भक्तों का शरीर छोड़ना में अंतर है। उनका बड़ा आसक्ति संसार में होता है, शरीर की प्रति होती है, शरीर से बाधा हुआ जिस चीज़ों में होता है, तो वो जब छोड़ जाता है उसका बड़ा कष्ट होता है। वो जब छोड़ जाता है तब कष्ट होता है। बोले कैसा कष्ट, देखो एक शब्द के द्वारा समाप्त करूँगा। अगर मान लीजिए आप जा रहे थे रास्ता में और जाते जाते किसी ने आपको पकड़ा और आपसे 10,000 रुपया छीन लिया, 10,000 छीन लिया, कितना कष्ट होगा आपका, कितने दिन तक याद रहेगा आपका, पूरी जिंदगी तक नहीं भूल पाओगे। उस रास्ता से जाओगे, जब जब वो जगह आएगी तो आपको याद आएगा ही है। तो मान लो कि आपके जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा वहां छीन गया, आप भूल नहीं सकते, दुख से आप भर जाते हो। और पूरी जिंदगी जब मौत आके छीन लेता है, मौत क्या है, जिंदगी को छीनने का, जो कमाया आपने, जो कुछ किया इस संसार में, वो एक सेकंड में उसको छीन लेता है, तो कितना कष्ट होना। तो मरने का कष्ट नहीं होता, बल्कि छीनने का कष्ट होता है, जो हमसे छीना जाता, छीन लेता है, उसका कष्ट होता है, तो वो कष्ट प्राप्त करता है। लेकिन एक वैष्णव जो होता है, उनमें संसार में कुछ अपना नहीं है, जो कुछ है वो भगवान का है, ये शरीर भी उनका है, ऐसे विचार से वो रहते हैं, इसलिए उनका जाने में कोई कष्ट नहीं होता। हम बाहर से कष्ट देखते हैं कि कष्ट हो रहा है, नहीं कोई देखा ही नहीं, देखा ना कैसे गए, पानी दिया और उसके बाद ऐसे ऐसे किया, बस और इन्होंने पानी दे रहे हैं, बस ऐसे किया, तो कैसे इसका ये मौत है। तो ये मौत नहीं, ये मौत महोत्सव के रूप में बदल जाता, तो इसको विरह महोत्सव कहा जाता, विरह महोत्सव। और ये विरह मैंने पहले ही बताया, ये विरह माइक विरह नहीं है, हमारे साथ 50 साल थे, हमसे ये करते तो करते, ऐसा नहीं, हम पारमार्थिक भावना में उनके साथ कितना संयुक्त हुआ, उस अभाव अनुभव का नाम ही विरह, पारमार्थिक अनुभव। कि आज हमें वो कथा सुनाते थे, उनको दर्शन होता था, वैष्णव दर्शन, वो शब्द सुनो कैसा सुंदर श्लोक है, कि जिहोवा फलम तादृश कीर्तन ही, जिहोवा फलम वैष्णव कीर्तन ही, तान फलम तादृश चरण स्पर्शम, शरीर का तन का फल वैष्णव के चरणों का स्पर्श, और जिहोवा फलम वैष्णव का गुणगान गाना, हमारे जिहोवा का फल है उनके गुणगान को गाना, और अक्षण फलम तादृश दर्शन, आंखों का फल है वैष्णव का दर्शन करना। वो इस धरती का देवता है, इस धरती का महामानव है, उनका दर्शन मात्र, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण, उनका दर्शन ही हमारे लिए पवित्रता है। हम पवित्र, गंगा तो स्नान करने से पवित्र होते हैं,
लेकिन वैष्णव दर्शन मात्र हम गंगा स्नान से कोटि कोटि गुण फल प्राप्त करते। इसीलिए उनको दर्शन नहीं होगा, वो विरह कष्ट होना, ये विरह कहा जाता है। तो ऐसे वैष्णव के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, इनका प्रातः रोज प्रातः स्नान प्रणाम करना, स्मरण करना। जो हम वैष्णव कीर्तन करते हैं, अब वैष्णव का कीर्तन माने कोई छूट नहीं जाता, वही वैष्णव ठाकुर दया सागर दासे करुणा करी, तो इसमें कोई छूट जाता। जितने भी वैष्णव जगत है सबको हम प्रणाम करते। तो ऐसे जगपति प्रभु आज वो अपने लोक में पहुँचे हैं, वहाँ भी उनका बड़ा स्वागत आ रहा है। हाँ, उनका भी बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है। तो ऐसे गोलोक धाम में उनका स्वागत हो रहा है, हम भी उनको प्रणाम करते हैं। वाणी को यही बहुत विराम देते हैं। वंचा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु पतितानां पावन भवश्य। ओहे वैष्णव ठाकुर दयारु सागर ए दासे करुणा करी, वैष्णव ठाकुर दयारु सागर ए दासे करुणा करी, दिया पद छाया सदो हे आमारे, चरण धरी वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा छाये दोषोषधि छाये गुना देहो दासे, छाये सात संग देहो हे आमारे,